वेलकम टू एग्जाम बे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च 2020 के करंट अफेयर्स। सो मार्च वॉज द मंथ जब लॉकडाउन हुआ था हमारे देश में, और उससे पहले भी थिंग्स वर स्लो बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस ग्लोबली, और इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा उसका जो अफेक्ट था वो स्टार्ट हो गया था, राइट? तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। स्टिल जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आपके सामने इस वीडियो में है, राइट? और सुपर सिंप्लीफाइड बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं, ईपीएफ एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक ऑर्डर करने के बाद आपको वो तो साथ में ही मिल जाएगा। उसके बाद ईपीएफओ ईबुक जो कि मार्च फर्स्ट वीक में आएगी, और एक और अपडेट, ईपीएफओ ईबुक के रिलीज होने के बाद हमारा पूरा फोकस जो भी जिन्होंने भी 400 वाला पैकेज लिया है, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसी पर रहेगा पूरी तैयारी। उसमें जो भी नोट्स या डॉक्यूमेंट्स डिस्कस होंगे और क्वेश्चंस डिस्कस होंगे टिल 9th में या 8th में आप कह सकते हो, 9th में को तो एग्जाम है, राइट? सो दिस इज द प्लान। लेट्स स्टार्ट विद आवर करंट अफेयर्स। पीएम केयर्स फंड, सबसे पहले तो पीएम केयर्स फंड जो स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे डोनेशंस गई थी इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के लिए, सपोर्ट देने के लिए इकॉनमी को, और दूसरे जो भी मेडिकली जो इमरजेंसीज थी उन सब चीज़ों के लिए, उसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम केयर्स फंड का। तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। ओके, सो ये जो फंड है ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कोविड तक लिमिटेड है, ये आगे भी कोई इमरजेंसी आएगी उसमें भी पीएम केयर्स फंड से पैसा दिया जाएगा। ओके, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इंडिया जो वैक्सीनेशन करा रहा है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव अभी चल रही है, डेली वैक्सीनेशंस हो रही हैं, इंडिया ने 2 कंपनीज से अभी तक वैक्सीन्स खरीदी हैं, एक तो भारत बायोटेक और दूसरा जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। पीएम केयर्स फंड से ही ये सारा पैसा गया है। सेकेंड पॉइंट इज डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, उसमें इंडिया की रैंकिंग इज इम्पॉर्टेंट, 63rd पोजीशन आउट ऑफ 190 कंट्रीज, और ये पोजीशन 3 डिजिट्स में हुआ करती थी अभी कुछ साल पहले तक, बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सस्टेन्ड एफर्ट्स और फोकस की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, और जो आगे बाहर से FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दूसरी कंपनीज आ रही हैं, आप देखो अभी पिछले 1-2 साल में बहुत सारी कंपनीज आई हैं, इंडिया की रैंक भी बहुत इम्प्रूव हुई है, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी सारे चीज़ें इसके लिए करी हैं, जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया है, फेसलेस सिस्टम कर दिया है, तो जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि लोगों के पास जाकर आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। ओके, ऑनलाइन और फेसलेस हो गई हैं चीज़ें, तो टाइम भी कम हुआ है, और आप कह सकते हो कि जो बीच में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते थे वो भी कम हो गए हैं। वर्ल्ड वाटर डे इम्पॉर्टेंट, 22nd मार्च को वर्ल्ड वाटर डे हुआ था, हर साल होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना है, जिसका मेन, अगर मैं आपको जिसमें बता दूं तो सरकार ने मेडिकल स्टोर्स की तरह से कुछ जनऔषधि स्टोर्स खोले हैं, जहां पे आपको जेनरिक दवाइयां मिलेंगी जिनका सॉल्ट सेम होता है ब्रांडेड दवाइयों का, बट वो काफ़ी सस्ती होती हैं, तो आपका मेडिकल खर्चा दवाइयों का कम हो सके, और जो मेडिसिन हैं वो एक्सेसिबल हो जाएँ रूरल एरियाज़ में भी, और जो हार्ड टू रीच एरियाज हैं वहाँ तक भी, टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइजेस टू द मासेस थ्रू स्पेशल केंद्र, जिन्हें कहा गया प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना केंद्र। ओके, 2008 में लॉन्च हुई थी, बट इट वॉज रीनेम्ड इन 2015 में, इसे रीनेम करके ये प्रेजेंट नाम दिया गया। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्टेड एवरी 5 years, 5 साल में ये होता है, लास्ट 2015-16 में हुआ था, अभी होना था बट कोविड की वजह से शायद अब मे बी हो। ओके, सो एज फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो सबसे मेन जो इसका पॉइंट है वो ये है कि एग्रीकल्चर जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स होती है किसान के पास, जो उसका फार्म लैंड होता है ऑपरेशनल, वो घटता ही जा रहा है, कम ही होता जा रहा है, राइट? 70-71 में वो 2.28 हेक्टेयर्स था, जो कि 2015-16 में कम होकर 1.08 हेक्टेयर्स रह गया, जो कि 50% से भी, मतलब आधे से भी कम हो चुका है ये, और कम ये होता ही जा रहा है साल दर साल, क्योंकि आप देखो भाई फार्म लैंड उतना ही है बट फैमिली बढ़ती जाती है, बच्चों के बच्चे होते जाते हैं और उनमें डिवाइड होता जाता है। एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो स्टेट्स ही उसमें
मेन डिसीजंस लेते हैं। फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के, जिसका ऑब्जेक्टिव हमें पता होना चाहिए टू एलिमिनेट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस फॉर बोथ प्रेग्नेंट वुमेन एंड सिक इन्फेंट्स एक्सेसिंग पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रीटमेंट। तो इसमें एंटाइटलमेंट्स कुछ होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन और सिक इन्फेंट्स के लिए, जिसमें कि आपको फ्री और जीरो एक्सपेंस डिलीवरी, सीजेरियन सेक्शन वगैरह आपको डिलीवरी करानी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। फिर दवाइयाँ आपको कंज्यूमेबल्स खाने पीने उस टाइम पे जो न्यूट्रिशन के लिए चाहिए होता है वो होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है वो होता है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे इसके प्रोविजन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स मैंने इसमें लिए हैं। ऑन मार्च 2020 यूनाइटेड नेशंस रिलीज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो कि मार्च 20 को होता है। फिनलैंड रैंक फर्स्ट इन द रिपोर्ट और इंडिया की रैंक थी 144 जो कि बहुत ही पीछे है। इंडिया भी हैप्पीनेस के पैरामीटर्स पर बहुत ही लो स्कोर करता है। नेशनल चंबल सेंचुरी, चंबल का नाम आपने सुना ही होगा, कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री स्टेट्स मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगर आपने वो मूवी एक देखी हो पान सिंह तोमर, वो भी इसी पे बेस्ड थी, चंबल पे। तो इट इज़ अ होम ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ टर्टल एंड एंडेंजर्ड गेंजिस रिवर डॉल्फिन। तो हमें ये इसका पता होना चाहिए लोकेशन वगैरह और क्यों ये फेमस है। ओके सो थैंक यू गाइज। और इसके बाद फेबररी और जनवरी 2020 आएगा, फिर फेबररी और जनवरी 2021 आएगा। ओके और ये जल्दी जल्दी में ही आएंगे क्योंकि हमें ई बुक रिलीज़ करना है फर्स्ट वीक तक। फेबररी और जनवरी में काफ़ी कुछ हुआ था तो उस हिसाब से ही करंट अफेयर्स बढ़ जाएंगे। बी विद अस और तैयारी अपनी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।